हेलो बीजीएमआई प्लेयर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों वापस आए एक और नई वीडियो के साथ। इन्फिनिक्स जीरो 2023 वाला वेरिएंट, जो कि हमने पहले काफ़ी ज़्यादा वीडियो डाली थी इस फ़ोन के ऊपर। तो इस फ़ोन के अंदर इस टाइम पे एंड्रॉयड 13 का हमें अपडेट देखने को मिल रहा है। तो हमने फ़ोन को अपडेट कर लिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर जाके अपडेट्स में, लोकल अपडेट्स में, अभी आप डाटा पर मैंने ऑन कर रखा है, इसको वाईफाई पर कर लेते हैं पहले हम एक बार। इसको हमने कर दिया वाईफाई पे, उसके बाद हम ऑनलाइन अपडेट्स पे दबाएंगे, उसके बाद हमें देखने को मिल जाएगा कि हमें एंड्रॉयड 13 का हमें अपडेट देखने को मिला है। और ये अपडेट है, ये कम से कम 5 GB का अपडेट है। तो मैंने इसे फ़ोन को अपडेट पे लगा दिया, तो अराउंड 1 घंटे से ज़्यादा इसने अपडेट करने में ले लिया था। तो हमने फाइनली इसको अपडेट कर लिया था, पूरा 1 घंटे का हमने टाइम दिया है इसको, और ये अपडेट होता रहा बहुत देर तक। लगा दी इसने 1 घंटे से ऊपर ही लगा दिया था। इस अपडेट के अंदर आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन के अंदर हमने एंड्रॉयड 13 पर अपडेट कर लिया है। सब उससे पहले हमें एंड्रॉयड 12 पे देखने को मिलता था ये फोन। आपको मैं दिखा देता हूं, मैंने अपडेट कर लिया है पूरा कंप्लीट। सेटिंग पे चलते हैं और अबाउट फोन सिस्टम में नहीं, ऊपर होता शायद है, माय फोन में जाके आप देख सकते हैं ये V13 हो गया, एंड्रॉयड 13 पे चला गया इसका एंड्रॉयड वर्जन। और भाई इन्फिनिक्स के फ़ोन के अंदर भाई अपडेट आ रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। कई बंदे बोलते थे भाई अपडेट नहीं आते, अपडेट नहीं आते। अब इन्फिनिक्स वाले थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे हैं और फ़ोनों के अंदर हमें अपडेट देखने को मिल रहा है। एंड्रॉयड 12 पे आया था हमें, फाइनली एंड्रॉयड 13 पे देखने को मिल गया है। ये एंड्रॉयड 13 पे अपडेट करने के बाद मैंने गेम प्ले करा, अराउंड हम 1 घंटे या 1.5 घंटे की हम गेमिंग करने वाले हैं। बैटरी देख सकते हो 47% बैटरी है। बैटरी ड्रेन भी हम चेक लेंगे कितना हमें बैटरी ड्रेन देखने को मिलता है 1 घंटे की गेमिंग करने के बाद। हमने यहाँ पे टाइमर भी लगा लिया जिससे कि आपको पता लगता रहे कि कितना टाइम हो गया है। 47% बैटरी थी, अब देखते हैं लास्ट में कितनी बैटरी होने वाली है। सबसे पहले हम अरीना ट्रेनिंग चेक करते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है अरीना ट्रेनिंग के अंदर 60 FPS की। और जायरोस्कोप में भाई सही बताऊं, अभी 1 घंटे की पूरी गेमिंग करेंगे उसका पता लगेगा कि कहीं पे जायरोस्कोप डिले हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो जायरोस्कोप बिल्कुल ही परफेक्टली वर्क कर रहा था। दोस्तों सबसे पहले आप अरीना ट्रेनिंग देखिए, उसके बाद हम क्लासिक मैच खेलते हैं। तो दोस्तों हमने अरीना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, अराउंड हमने 3 मैच खेले, 15 मिनट की गेमिंग कर ली अरीना ट्रेनिंग की। और बैटरी आप चेकआउट कर सकते हैं, वो हम लास्ट में आपको बताएंगे कितना बैटरी देखने को मिला 1 घंटे की गेमिंग करने के बाद। और परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई मैंने जानबूझ के 3 मैच खेले, कहीं पर जायरोस्कोप डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मुझे कहीं पर भी जायरोस्कोप डिले देखने को नहीं मिला। अब आप क्लासिक मैच देखिए एक बार,
दोस्तों अराउंड हमें 40 मिनट हो गए गेमिंग करते हुए, हमने दोबारा जंप करी, दोबारा देखते हैं कितना हमें फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है जंप करते टाइम। आप चेकआउट कर सकते हैं, इस टाइम पे हमें 60 FPS, 54 और ये 49 के आसपास भी जाते हुए देखने को मिला। और यहाँ पे बंदे आए हैं तो ज़रा फाइटिंग कर रहे थे, उसके बाद बात करते हैं कैसी परफॉर्मेंस की, कहाँ पर लैग देखने को मिला, कहाँ तो दोस्तों यहाँ पे हमारा नेट चलाता गया था, लेकिन जब नेट वापस आया तो हमने चेकआउट करा कि भाई ये दोनों बंदे भी मर गए थे और ये भी बंदा हमें मिल गया था, तो हमें तीनों किल मिल गए थे। तो दोस्तों हमें गेमिंग करते करते अराउंड 1 घंटे 8 मिनट के आसपास हो गया और ये सिर्फ लास्ट बंदा रह गया था इस मैच का और ये हमें मिल नहीं रहा था। फिर हमें ये जाते हुए देखता हुआ हमें मिला, तो हमने इसके पीछे पीछे लग गए और इसको ज़रा फिनिश करते हैं, फिर पूरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा 1 घंटे की गेमिंग करी मैंने इतने आराम से बैठ के। Android 13 पर कैसी परफॉर्मेंस है इस फ़ोन की। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मैच फिनिश कर लिया था अपना और यहाँ पे हमें 2 घंटे भी हो गए गेमिंग करते हुए, क्योंकि मैंने सुबह भी गेमिंग करी थी थोड़ी बहुत, इसलिए यहाँ पे 2 घंटे हमें दिखा रहा है कि 2 घंटे हमारे कंप्लीट हो गए। तो अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस देखी, 1 घंटे 10 मिनट के आसपास की हमने गेमिंग कर ली है, फ़ोन को हमने लगातार यूज़ करा 1 घंटे 10 मिनट तक। और मैं आपको एक बार फ़ोन की बैटरी दिखा देता हूँ कितनी हो गई है, इस टाइम पे बैटरी हो रही है 21%। तो हमने 47 पे चालू करा तो अराउंड 25% का हमें बैटरी ड्रेन देखने को मिला है, 1 घंटे 10 मिनट की गेमिंग करी है तो 25% का हमें बैटरी ड्रेन देखने को मिला है फ़ोन के अंदर। और अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो अरीना ट्रेनिंग के अंदर भाई फ़ोन ने कॉन्स्टेंट हमें 60 FPS देखने को मिले थे, कोई भी जायरोस्कोप में डिले देखने को नहीं मिला मुझे इस 1 घंटे की गेमिंग में। जायरोस्कोप मुझे लगता है कि शायद इस अपडेट के बाद सही कर दिया गया है थोड़ा सा, अब मुझे कोई भी डिले देखने को नहीं मिला एक बार भी। जब फ़ोन ज़्यादा हीट करेगा तब पता लगेगा कि डिले होता है कि नहीं, लेकिन इस टाइम मैंने 1 घंटे तक गेमिंग करी तो मुझे कोई भी ज्यादा हीटिंग इशू प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, ना ही कोई मुझे जायरोस्कोप में डिले देखने को मिला। और अगर क्लासिक मैच की बात करी जाए तो क्लासिक मैच के अंदर भी परफॉर्मेंस अच्छी थी फोन की, ये कि जब आसपास ज्यादा बंदे आ जाते हैं तब अराउंड 48 या 50 FPS के आसपास लेके चला जाता है, कॉन्स्टेंट 60 FPS देखने को नहीं मिलते। लेकिन जब थोड़े से बंदे कम होते हैं तब ये अराउंड आपको 55 के आसपास के FPS बड़े आराम से निकाल के देगा, और जब एक ही टीम होती है तब अराउंड आपको 55+ भी FPS देखने को मिल जाएंगे फाइटिंग करते टाइम। ये फाइटिंग
फाइटिंग करते टाइम बता रहा हूँ, वैसे नॉर्मल तो आपको 60 ही देखने को मिलते हैं, लेकिन फाइटिंग करते टाइम थोड़े बहुत आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलते हैं, 50 से लेके 55 के बीच में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इस फोन की परफॉर्मेंस की बात करी जाए अंडर 15,000 के हिसाब से, एंड्रॉयड 13 भी आ गया इस फोन के अंदर, तो भाई मुझे काफ़ी सही परफॉर्मेंस लगती है अंडर 15,000 के हिसाब से देखा जाए तो। फोन ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दी, मुझे काफ़ी मजा आया। आप बताइए आपको फोन की परफॉर्मेंस कैसी लगी। और यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।